टाइम से। तो अभी देखिए बच्चा पार्टी सब के सब यहाँ पे खड़े हैं। और ये आज क्यों यहाँ पे खड़े हो रखे हो? तो हम सब क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए अभी थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं। देखो हाय करो। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखिए हम किस तरीके से गबू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बाय बाय। तो ये देखिए ये है डेकोरेशन बर्थडे का। हाफ ईयर बर्थडे है जो यहाँ पे हमने पूरी फूलों की माला लगा रखी है जो आर्टिफिशियल फ्लावर है। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हैप्पी हाफ बर्थडे क्योंकि ये 6 मंथ गब्बू को हो चुके हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे हल्का फुल्का और डेकोरेशन करेंगे हम यहाँ पे। और देखिए अथर्व ने पहनी है गब्बू की कैप और गब्बू कितने प्यार से देख रहे हैं हमको ना गब्बू। तो फिर आप बने रहिए और उसके बाद मैं दिखाऊंगी गब्बू का केक कैसा है करके। तो यहाँ पे देखिए अब हम करते हैं डेकोरेशन। जो हमने ये बेडशीट बिछा रखी है इसके ऊपर हम लोग ना व्हाइट वाले सदाबहार वाले जो फ्लावर है वो रखेंगे। और यहाँ पे हमने बना लिया है 6 क्योंकि गब्बू का 6 मंथ बर्थडे। और ये है नींबू क्योंकि आजकल है समर सीजन तो नींबू पानी पीने में बहुत टेस्टी होता है और पीना भी चाहिए गर्मियों में। पानी हम जितना अधिक पिए उतना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और ये देखो अब हम इसका बनाएंगे 6। तो इतना तो हमने बना दिया, बस इन दोनों को यहाँ पे रखते हैं। फिर उसके बाद गब्बू को यहाँ पे सुलाएंगे थोड़ी देर में और फिर गब्बू की फोटो शूट करेंगे और थोड़ा बहुत केक कटिंग करेंगे और फिर मस्ती करेंगी डांस। तो केक भी हमने रख लिया है, अब बस गब्बू करेगा केक की कटिंग और केक खाई खाई करेगी है ना। अब 6 मंथ बाद गब्बू का हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। केक कटिंग तो हो चुकी थी और आपने देखा गब्बू ने कितना ज़्यादा केक के साथ खेला और गब्बू के पूरे हाथ देखिए पूरे के पूरे ब्लू हो चुके हैं क्योंकि केक का जो कलर था वो ब्लू था जिसकी वजह से गब्बू के पूरे हाथ भी ब्लू हो चुके जो साफ़ नहीं हुए। तो केक हमारा कट चुका था और गब्बू ने काफ़ी मस्ती करी। देन उसके बाद जितना हम डेकोरेशन करते हैं उसको संवारने में उतना ही टाइम और लग जाता है क्योंकि जितना टाइम करने में लगता है उतना ही टाइम उसको दोबारा ठीक करने में भी लगता है। तो जितना भी यहाँ पे सामान था हम लोग उसको ठीक करने लग गए थे। तो गब्बू ने तो टोपी नहीं पहनी, मैंने बोला क्यों ना मैं ही पहन लेती हूँ थोड़ी देर। तो मैं टोपी ऐसे पहन रही थी पर जो टोपी का ना जो रबर होता है वो टूट गया तो फिर मैंने उसको साइड में रख दिया था। और देखिए आधा केक तो गब्बू ने पूरा ख़राब कर दिया था और आधा केक ठीक था। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जो 6 लिखा हुआ था कुछ टॉफियों से लिखा हुआ था और कुछ जो मूँग की वाइट वाले मूँग होते हैं उसकी जो होती है उससे लिखा हुआ था। तो इस वजह से हम सब उसको उठा रहे हैं क्योंकि होता है ना कि बहुत ज़्यादा रूम मैसी हो जाता है और घर में छोटा सा बच्चा है तो क्या है कि गब्बू अब थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जाने लग गया है तो कुछ भी चीज़ गिरा मिलता है तो वो उठा लेता है एंड मुँह में डाल देता है। तो इस वजह से फिर हमने जितना भी यहाँ पर हो सकता था यहाँ फटाफट से साफ़ सफाई करी। और हमने किया था आज डिनर में बर्गर डिमांड कि हम बर्गर ही खाएंगे तो हमारा बर्गर आ चुका था। हमने ज़्यादा बर्गर नहीं मंगाए, बस 3 पीस बर्गर के मंगाए और सब ने हाफ हाफ पीस बर्गर के खा लिए थे। और यहाँ पे देखिए मैं सबको बच्चों को कट करके बर्गर दे रही हूँ और बर्गर ना 2 बर्गर तो नॉर्मल थे बट मैंने बोला था कि मुझे चिकन बर्गर खाना है, मैंने काफ़ी दिन से नहीं खाया था तो मैंने अपने लिए वो मंगाया था और बच्चों के लिए हमने नॉर्मल जो टिक्की वाले बर्गर होते हैं वही मंगाए थे। तो बर्गर काफ़ी यम्मी थे और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, स्पेशली सेलिब्रेट करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आज तो मतलब हम लोगों ना डिनर बनाया ही नहीं क्योंकि मिस्टी के पापा भी घर में नहीं थे और आदि के पापा भी घर पे नहीं थे तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम ही लोग आज एकदम इंजॉय कर लेते हैं एंड गब्बू का हाफ
ईयर बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते हैं। ये हाफ ईयर बोलने में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ हो रहा है, एक्चुअल में 6 मंथ बर्थडे ही बोलते हैं, बट समय के साथ साथ परिवर्तन हर चीज़ में आता है, हर चीज़ बदलता रहता है। तो यहाँ पे भावना बोल रही थी कि अरे यार अभी कैमरा बंद कर दे, मैं अच्छे से नहीं खा रही हूँ। मैंने कहा यार जैसे भी खा रही, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि साथ में ऐसे बैठ के खाने का मौका बहुत कम मिलता है, एक साथ बैठो, एक साथ गप्पे मारो, एक साथ टीवी देखो। तो फिर आज हमें मौका मिला वो भी फास्ट फूड और जंक फूड खाने का, तो हम ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं। तो अब कर लिया है हम लोगों ने डिनर और उसके बाद चलते हैं सीधे अपने रूम की ओर। हाय, तो आ चुके हैं हम गब्बू के बर्थडे से एंड हम लोगों ने ना खाना आज खाया है, बर्गर। एक्चुअली में क्या था, इससे पहले भी हम गए हुए थे किसी के बर्थडे में, हमारे सामने वाली बिल्डिंग में था, तो वहाँ पे हमने समोसे एंड स्नैक्स वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत खा लिया था। देन फिर हम घर आए, हमने गब्बू के बर्थडे का केक कटिंग किया, देन उसके बाद जाके हमने सोचा अब खाना क्या खाएं, फिर हमने ऑर्डर किया बर्गर। तो अभी बर्गर खाने के बाद थोड़ी देर बस हमने गप्पे मारे, देन उसके बाद हम आ चुके अपने रूम पे एंड मैंने अथक और आरती दोनों को सुला दिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 10:30 बज चुका था हमें वहीं पे ही। तो अभी अब देखिए मस्ती भी हमारी भूखी है और इसको भी मुझे देना है चारा और थोड़े बहुत घर के और भी काम करने हैं एंड अपना फेस वॉश करना है, तो वो अभी करती हूँ। पहले फिश को थोड़ा सा देती हूँ चारा क्योंकि उसे भी शायद भूख लगी हुई है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली क्या था ना कि फिश को हम दो टाइम पे खाना देते हैं, सुबह और शाम को। तो सुबह तो मैंने सुबह 5:30 बजे दे दिया था, तब से नहीं दिया था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी दे देती हूँ। तो अभी देखिए फिश बेचारे भी वेट कर रहे हैं, तो अभी खाना दे देती हूँ उनको, देन उसके बाद कुछ बहुत और काम कर लूँगी। तो आज का दिन अच्छा रहा और स्पेशली मतलब आज गब्बू 6 मंथ कम्प्लीट हो चुका है और ना अब थोड़ा सा ना मतलब जो उसकी एक्टिविटीज़ है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्यार आता है, वो हंसता है और देखेगा तो हाथ देता है कि मुझे पकड़ो और शाम होते ही बोलता है कि मुझे बाहर को लेके जाओ। बस यही था, सेलिब्रेशन भी हुआ और बच्चे लोग आपस में बैठे एंड जैसे कि सिरा जी जा चुके हैं गाँव एंड मम्मी भी गई हुई है, तो फिर हम तीनों ही हैं। पर थोड़ा बहुत अजीब तो लग रहा है कमरे के अंदर, जिससे अगर बाहर जाओ तो नॉर्मली ठीक होता है, बट रूम में आओ तो थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है कि एक साल से मतलब एक क्या लगभग 2.5 साल हो चुके हैं हम साथ में ही हैं। अभी शायद फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है सर, लेकिन स्पेशली क्या होता है छुट्टियों के टाइम पे, समर टाइम पे मैं ज़्यादातर मायके जाती हूँ, तो उस टाइम पे वो या तो घर चले जाते हैं क्योंकि मायके भी ज़्यादा आना उन्हें पसंद नहीं है, बस 2-4 दिन के लिए ही वो आते हैं। तो फिर अभी हम जाएंगे देहरादून, देन उसके बाद वो आएंगे हमें लेने के लिए वहीं, फिर उसके बाद हम यहाँ को आ जाएंगे। तो देखिए फिश को भी हमने दे दिया है दाना, अभी फिश दाना खा रहे हैं एंड उसके बाद ये भी करेंगे रेस्ट और आधी अथर्व भी सो चुके हैं। बाकी तो कुछ काम नहीं करना है मुझे, बस मैं फिश का काम करके देन उसके बाद दूध मुझे फ्रिज में रखना है। दूध मैंने अभी फ्रिज में नहीं रखा हुआ है क्योंकि दूध को मैंने बॉयल कर रखा था और बॉयल करने के बाद वो ऐसे ही रखा हुआ था, तो अभी दूध को फ्रिज में रख लेती हूँ। बाकी तो काम होता रहेगा एंड कल ईद की छुट्टी है, बच्चों लोगों की तो उतना कोई टेंशन नहीं है दिन का, सॉरी सुबह का ब्रेकफास्ट उठाने के, और रात भी ना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लगभग अगर मैं बताऊँ तो रात के अभी बज रहे हैं 11:30 बज चुका है रात का। क्या हुआ ना, मैं बच्चों को सुलाने लगी, देन उसके बाद तो मैं थोड़ा सा फ़ोन पे लग गई, और होता यही है जब हम फ़ोन पे लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, भले हम लोग मतलब कुछ यूट्यूब से रिलेटिव कुछ चीज़ कर ले या कुछ चीज़ देख ले या इवन हम लोग मतलब सीरियल्स, स्पेशली मैं तो सीरियल्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मतलब रात के सीरियल्स मेरे अलग होते हैं और शाम के सॉरी सुबह के सीरियल मॉर्निंग के अलग होते हैं, और जब तक मैं ना ये सारे सीरियल्स ना देख लूँ ना मुझे चैन नहीं आता। बस ये नहीं कि मैं पूरे सीरियल देखती हूँ, मैं सिर्फ स्किप करते करते मतलब 2-3 मिनट तक, और हाँ बस ये होता है कि कल क्या होगा वो देखना होता है क्योंकि सस्पेंस मुझे कल पे ही लगता है। तो वो देख रही थी अभी तक, तो 11:30 हो चुका है और देखिए मेरी आंखें भी एकदम बता रही हैं कि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। तो अब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, देन उसके बाद चलती हूँ सोने के लिए क्योंकि गर्मी भी काफ़ी होने लग गई है, और गर्मी के टाइम पे जितना हो सके पानी पीजिए, जितना हो सके ग्लूकोन डी पीजिए और नींबू पानी पीजिए जो बहुत ज़्यादा शरीर के लिए अच्छा है। दूसरा पता है
खाना भले हम कम खाए, क्वांटिटी हमारे खाने की कम हो, बट हमारे ड्रिंकिंग मतलब पीने वाले चीज़ें जैसे फ्रूट्स होते हैं इस टाइम पे, वाटरमेलन होता है, मास्कमेलन होता है, ये सब खाइए। इस खाने से क्या होता है कि बॉडी एकदम में पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि गर्मियों में ना होता है एक तो पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है हमारा, दूसरा गर्म भी होता है तो थोड़ी सी बॉडी में बीमारियाँ जल्दी पकड़ जाती हैं। तो आज का ये छोटा सा था मेरा ब्लॉग जिसमें हमने किया था गब्बू का 6 month बर्थडे सेलिब्रेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय।